आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। तासिकंदा क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर सोमवार को हुए फैक्ट्री अग्निकांड मामले में जिलाधिकारी प्रभुजन सिंह द्वारा जांच कमेटी गठित की गई है। अग्नि मामले में मुख्य अग्निशमन अधिकारी अक्षय रंजन का कहना है कि फैक्ट्री संचालकों द्वारा फायर की NOC रिन्यूअल नहीं कराई गई थी, तमाम विषयों पर जांच की जा रही है। थाना सिकंदरा क्षेत्र नेशनल हाईवे पर सोमवार को फैक्ट्री अग्निकांड के मामले में जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह द्वारा जांच कमेटी गठित की गई है। अग्निकांड मामले में मुख्य अग्निशमन अधिकारी अजय रंजन का कहना है कि फैक्ट्री संचालकों द्वारा फायर की NOC रिन्यूअल नहीं कराई गई थी, तमाम विषयों पर जांच जारी है। थाना सिकंदरा में 7 तारीख में जो अग्निकांड हुआ था, उसके बाद जो है उसमें अग्निकांड किन कारणों से हुआ, उनके पास किन किन विभागों की NOC थी, इस संदर्भ में DM महोदय द्वारा एक कमेटी गठित की गई है, जिसमें एक सप्ताह में रिपोर्ट देने के लिए निर्देशित किया गया है। तो आज जो है उस कमेटी के द्वारा जो है उसी संदर्भ में शाम को मीटिंग है और उसके बाद हम लोग वहाँ पर जाएंगे मौके पर और उसको जांच करेंगे कि उनके पास क्या क्या साधन थे, किन कारणों से आग लगी है। जिलाधिकारी के आदेश पर जांच कमेटी का गठन किया गया। ये कमेटी हर पहलू पर जांच करेगी। अग्निशमन अधिकारी का कहना है कि जांच में देखा जाएगा कि फैक्ट्री में कोई अनियमितताएं तो नहीं थी, किन किन केमिकल का भंडारण था, केमिकल कहां से आता है, अंडरग्राउंड टैंक की क्षमता कितनी है, फैक्ट्री मानकों के अनुरूप चल रही थी या नहीं, और क्या क्या NOCs का पालन उनके पास, जो आवश्यक जरूरी प्रपत्र हैं उनके पास उपलब्ध हैं या नहीं। अग्निशमन की जांच में क्या हासिल हुआ, वहां से किस तरीके से NOC उनके पास थी, अग्निशमन विभाग की या नहीं। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनके द्वारा NOC का रिन्यूअल नहीं कराया गया। हाँ, देखिए जांच कर रहे हैं और जांच के पश्चात जो है उनका जो भी लाइसेंस है उनको जो है जब तक की समस्त व्यवस्थाएं पूर्ण नहीं आती तब तक के लिए सस्पेंड कराने के लिए लिखा जाएगा। अब जिलाधिकारी द्वारा गठित की गई जांच कमेटी की जांच में देखना होगा कि अग्निकांड में किन अनियमितताओं की कमी थी जिसके चलते इतनी बड़ी घटना घटित हुई, जिससे कोविड काल में 300 से अधिक कर्मचारियों को बेरोजगार कर दिया। सी न्यूज के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।